और जैसे इनका तमाम बहुत सारी बीमारी, अभी जैसे बीमारी फैली थी जो है गले की इन्फेक्शन वाली, तो क्या आपके जानवरों में हुआ था ऐसा कुछ? नहीं भाई, तो अच्छी मगर हमने दवाई वाई ले जान पिया ही थी बैठे सोचते ले के जी, तो ऐसा ही हो गई। तो वहीं ये किसान हैं और नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि पिटारा और मैं हूं कुलदीप कुमार। मैं आज जनपद कानपुर देहात का जो है ये, आप कहाँ रहते हैं? मदनूपुर गांव है, ये अमरोधा ब्लॉक का मदनूपुर गांव है और हमारे साथ में एक किसान है। भैया क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, तो ये इनके पास कितनी ये आपकी भेड़ हैं, बकरियाँ? 25 हैं। 25 इनके पास करीब 25 भेड़ हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि कितनी लागत ये साल में लगाते हैं और क्या मुनाफा कमाते हैं। तो भैया क्या नाम था आपका? राजकुमार। राजकुमार, कितनी आपके पास जो है ये बकरियाँ हैं आपके पास? ये बकरियाँ का 25-30 हैं, कागज भेड़ लगती हैं 25-30। तो जैसे आप एक साल में मुनाफा कितना होता है इस पे जो है ना, जैसे 25 भेड़ है जी? अरे तो जैसे 30-40 हज़ार रुपया का हो जाते हैं, उनका हो जाते हैं मुनाफा। मर जाती हैं बीमारी में। अच्छा, जैसे बीमारी कोई आ जाती है तो क्या इनको ट्रीटमेंट देते हैं आप जो? ट्रीटमेंट का यहीं पर मेडिकल से दवा लाते हैं तो वही पे जाते हैं। अच्छा अच्छा, मेडिकल से दवा लाते हैं, जान है जैसे इंजेक्शन है कोई? अच्छा, तो इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं? हाँ। तो इनका कहना है कि अगर बीमारी लग जाती है तो कोई इंजेक्शन लगाते हैं। और इनका इनको खिलाते क्या हैं आप जो है, क्या इनको दिनचर्या में भोजन करवाते हैं? भोजन। अच्छा, चराते हैं आप खेतों में? 12 घंटे जंगल अंगल में चरती थी बम्बर में और गड़ियन में। तो आप इनको वैसे बांधते अंते कहाँ हैं, जैसे क्या इनको मतलब जो है वातावरण कैसा चाहिए इनको, बकरियों को कैसा वातावरण? उसे खुली हवा में रहना चाहिए जी, खुली हवा में रहना चाहिए और साफ सफाई जगह में या वो मैदान में जैसे बैठाड़ दे तो वो ज़्यादा से यूज़ करिए। खुला चाहिए इनका? हाँ, हवा चाहिए खुला, जैसे टीन में धरे ऊपर से ढक दिया, अरे अपना बरसात के टाइम अंदर हो गए बाहर हो गए। तो भैया ये हमें बताइए कि जैसे आपके पास 25 भेड़ है तो एक भेड़ की कीमत क्या होती है, जैसे आप लाते हैं खरीद करके जो है, तो एक भेड़ की कीमत? 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में? अच्छा, एक जैसे आप एक भेड़ ले आए 6,000 रुपये में, तो उसने एक साल में कितनी इनकम देती, कई बच्चे देती है वो? बच्चे देती है जी, एक बच्चे देती साल में, एक बच्चा देती है, कोई कोई दो भी दे देती है। दो भी आ जाती है। जैसे अगर दो भी आ गई तो कितनी इनकम हो जाती है एक साल में? 12,000। 6,000 के बच जाते हैं और 12,000 ये हो गया और डेढ़ सेब बच जाती है। और जैसे इनका तमाम बहुत सारी बीमारी, अभी जैसे बीमारी फैली थी जो है गले की इन्फेक्शन वाली, तो क्या आपके जानवरों में हुआ था ऐसा कुछ? नहीं भाई, तो अच्छी मगर हमने दवाई वाई ले जान पिया ही थी बैठे सोचते ले के जी, तो ऐसा ही हो गई। तो वहीं ये किसान हैं और इनका कहना है कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो जो है मेडिकल से हम दवा ले आते हैं और विशेष रख रखाव नहीं है, खाली सिंपल तरीके से इनको जो है मैं चराता रहता हूं। और सानिया नहीं कुछ नहीं करते, इनका आंख तो भूसा वूसा खिलामन या कुछ नहीं करते, एक डंडा चराव करे थे। अच्छा अच्छा, और जैसे इस समय मतलब आपके पास 25 हैं तो काफ़ी इनकम हो जाती है, मान लो जो है ना 50-60 हज़ार के ऊपर? 50-60 हज़ार रुपया बिक जाइए जी, 50-60 हज़ार का। और भी कोई जानवर है आपके पास क्या? भैंसें हैं। अच्छा, भैंस कितनी है? भैंसें यही है क्या, चल रही ये सारी भैंस आपकी हैं? अच्छा अच्छा, चार भाई हैं साहब जी, चार भाई पूरा, तो ये भैंसें भी आपकी हैं? वो
वहीं क्या नाम था भैया आपका? राजकुमार। वहीं आपको बता दें कि ये राजकुमार हैं और इन्होंने बताया कि जो है मेरे पास करीब 25 भेड़े हैं और 25 भेड़े हैं और कुछ जानवर भी हैं, क्या नाम, भैंसे भी, और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं ये कानपुर देहात के किसान हैं। और तो बने रहिए हमारे साथ कृषि पिटारा में। नमस्कार। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।